everyone, this is Divya Agarwal and you're watching TV Times. Bigg Boss ka last episode mera favorite tha. Because it has given me a lot of realization. And yeah, I've been looking into Bigg Boss and jo logon ki strategies chal rahi hain, usse main khush nahi hoon. I don't know if that is a strategy or that is his personal choice. So yeah. Things are getting haywire between us. मुझे नहीं पता उसको क्या करना चाहिए honestly, because अगर मैं उसकी जगह होती तो अगर relationships की बात आती आनी ही नहीं चाहिए in the game honestly, कि बाहर उसकी life में relationships क्या चल रहे हैं. तुम obviously 3 महीने तुम रहते हो सबके साथ में, you discuss about your personal life. फिर discuss about your personal life, completely discuss about your personal life, वरना बिल्कुल ही मत करो. So he would have done one. He's left everybody in confusion. बहुत confusion में उसने सबको छोड़ दिया. मेरे fans यहाँ पे परेशान हो रहे हैं. मेरे fans मेरे लिए सब कुछ हैं. Like they have made me today whatever I am, and they get a lot of confusion. उनके अंदर बहुत सवाल आते हैं. So I am, that actually makes me also quite worried. So we are not liking. All of us are not liking. He's a very nice, humble person. He might be still a very humble person. I'm not judging him on that. But then, अभी जो definitely है वो प्रियांक ने जिससे मैं प्यार करती थी. He was completely different. He was completely opposite of what he is doing right now in Bigg Boss. विकास के साथ तो कुछ नहीं है उनका. वो brotherhood बोल सकते हो. And ऐसे काफी rumors आए थे. और उस time पे भी मैंने यही support किया था कि मैं विकास को personally जानती हूँ. And he has helped Priyank a lot in his career. आज वो जो भी है विकास, आज प्रियंक जो भी है आज, सब विकास की वजह से है. एंड उनका ब्रदरहुड की बात की थी मैंने. द रूमर्स वर जस्ट फनी. मैं हंस के निकल गई थी वहाँ से. मुझे नहीं जाना है बिग बॉस, बिकॉज दिस सीज़न इज़ क्वाइट टेंस्ड एंड बहुत ज़्यादा है ये सीज़न में. बट नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स येस. बट अगर इस सीज़न में मुझे अगर कॉन्वर्जेशन का टाइम मिल सके प्रियंक के साथ, वुड बी ग्रेट. कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्वर्जेट कर सकूँ, उससे जान सकूँ कि वॉट इज़ रॉन्ग विद हिम. एंड अभी जानने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड माई ब्रेकअप विद हिम. बट देन आई वुड लाइक टू जस्ट टेल हिम दैट रिस्पेक्ट वन फीमेल इन योर लाइफ, एटलीस्ट वन, ईदर मी और एनी बडी और वट एवर. विनर की नज़र से तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज there are better players inside, they are better strategists inside. तो विनर की नज़र से मैं विकास गुप्ता को देख रही हूँ ज़रूर, बिकॉज मैं जानती हूँ कि वो कितना ज़्यादा उनमें पेशेंस है और कितना ज़्यादा वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट अ विनर नीड्स. विनर की क्वालिटी सिर्फ शो तक नहीं होनी चाहिए, शो के बाद भी उस विनर टाइटल को लेकर चलना इज़ अनदर बिग टास्क. जो घर के अंदर हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा घर से बाहर होगा. सो आई थिंक इफ ही gets that tag, I think he'll be quite patient and will do justice to winning.